पंजाबी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा निर्मल ऋषि इन्हीं दिनी सुर्खियां विच है। इसकी वजह उन्होंने कोई फिल्म नहीं सगो भरा रोशन लाल ऋषि नाल चल रहा विवाद है। फिल्मी विच जिद्दी बेबे की भूमिका निभाने वाली निर्मल ऋषि का अपने परिवार नाल जायदाद नू लेके झगड़ा चल रहा है। उन्हों का एक वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है जिस अदाकारा ने अपने भरा रोशन लाल ऋषि होर कई गंभीर दोष लगाए हैं। निर्मल ऋषि नू वायरल वीडियो विच यह कहते हुए सुनिया जा सकता है कि उसका भरा रोशन लाल उसनू इन्नियां गालां कढ़दा है कि वह कैमरे के सामने दस भी नहीं सकती। अगे अदाकारा यह बोलते हुए दिखाई दे रही है कि वह घर ना तो उसका है और ना ही उसके पिता का है, सगो ये उसके चाचे का है जिसका नाम उसने रख्या है। इस मामले संबंधी निर्मल ऋषि ने अपने भरा खिलाफ अदालत विच केस दायर कर दिता है। वह किराए के मकान विच रहिंदी है और अज भी उसी किराए के मकान विच रह रही है। अदाकारा ने रविंदर ऋषि ते भी दोष लाए हैं। इस तों इलावा निर्मल दे भरा ने दस्या कि उसका अपना वड्डी भैण नाल झगड़ा चल रहा है। उसने दस्या कि मेरा अपनी भैण नाल जमीनी विवाद चल रहा है, वह लुधियाना विच रहिंदी है। उसने कहा कि मैं गली विचों कुछ जगह भी दित्ती सी पर इसके बावजूद उसने मेरे खिलाफ अदालत विच केस दायर कर दिता है। उसने दस्या कि भैण ने पुलिस राही उस खिलाफ दो बार वारंट भी भेजे हैं। हालांकि इस मामले नू लेके हले कोई होर अपडेट सामने नहीं आई है। वर्कफ्रेंड की गल करिए तो वह लंबे समय तो पंजाबी सिनेमा जगत में सरगर्म है और एक तो बाद एक हिट फिल्मों में काम कर रही है। पहली गल कि मकान उहदा नहीं है, उहदे प्यो दा भी नहीं है। मकान जिहड़ा है मेरे चाची ने मैनूं दित्ता सी, मैं शादी नहीं करवाई सी। मैं हर काम घर दे हर गल मैं पूरा करती रही हूँ। जब दी जो जॉब लगी है इन्होंने टब्बर का भी काम किया है तो जो हूँ टब्बर उन्होंने भी काम करती रही हूँ। सारे पैसे मैं खर्चती रही हूँ। हूँ अदालत ये जो साढ़े नाल बदखोइयां करन लग गया तो फिर मैं अदालत केस देना ही सीगा कि मैं भी तो इस उम्र च आके कितने रहना। मैं सारी उम्र रेंट पर रहती रही हूँ, अज भी मैं रेंट पर बैठी हाँ। तो मैं हूँ बाहर तक कितने घर पा नहीं सकती, मैंने कोई लुक आफ्टर करने वाला भी होना चाहिए। तो मैं पिंड घर पा लिया जो मेरा प्रोविडेंट फंड मिला सी ते मेरे चाचे की थान पर पाया सी। जो बाकी हिस्सा चाचे का ये रोक के बैठा सी। मैं इनू कहा सी भाई तू ये मैनू दे दे, ये मैनू दिंदा नहीं सी। और मैं ढाउण नू भी नहीं कहा सी, मैं कहा सी तू इस घर बेशक रही जा, मैनू 5 फुट मूहरों थान दे दे। 5 फुट सानू दित्ती हुई सी ताकि आंढ गुआंढियां नू भी कहता सी भी 5 फुट ही रहे, अगे पिछे ना हो। 5 फुट थान दित्ती सी, मैं कहा 5 फुट तू मैनू इतों थान दे दे, 3 फुट पिछों दे दे भी हुण गोडे हैगे उत्ते नहीं जा सकते भी धुप लै लिया करांगे। पर ये मन्निया नहीं। इन्हें किसान यूनियन में बुला, सरपंचा नू बुला, अखबारों चढ़ा, जो जो कुछ किया है ये सच्चियां गल्लां दस रही हैं। मैं मेरा भरा दा मुंडा पुलिस च है, IRB च डेपुटेशन ते गया होया है। सब तो ज़्यादा खराबियां वो करता है। 21 साल 22 साल हो गए, मैं किन्नी बारी थाने जाके आई हूँ मैं तुहानू दस नहीं सकती। किसी भी थानेदार नू पुछ लो साडा की कसूर सी, साडा कोई भी कसूर नहीं हुंदा सी। इह सानू पुलिस बुला के थाने लैके जांदा, उतों गां दिंदा। इहदी जिहड़ी डॉटर ला है इन्नियां गां सानू दिंदियां गंदियां गंदियां गालां। जे दो बंदे घर भी आ जांदे तां कहिंदी तुहाडे खसम आ गए। ते जे मेरा ब्रदर छोटा है उहनूं अड्ड होए नूं इक नवां पैसा भी नहीं दित्ता सी, इक सिर प्राण दित्ती सी। कच्चा थां च असीं रहिंदे रहे हैं किन्ने साल, शिकायत नहीं कीती। हुण इहनूं शिकायत दा की मौका मिल गया।